देखो इसको तो आप बोलते हो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, आप इसको आमतौर पे कहा करते हो, हमारे काम का नहीं है, पहले कभी हुआ करता था। इसको आप आपने याद कर लिया सीकम, यहाँ पे फिर एक ना ट्यूब जाती है पतली सी जो पूरे ट्यूब इस तरह से रन करती है। तो इस ट्यूब को आप क्या बोलते हो, दिस इज नोन एज कोलन। आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी मसल्स इसके अराउंड होती हैं और ये कॉलन जो है, एक कॉलन जो है अपवर्ड साइड पे जा रहा है, एक कॉलन आपका ऐसे ट्रांसवर्स जा रहा है, और यहाँ पे खैर थोड़ा सा मेरे को दिखाना अच्छे से सिग्मॉइड, क्योंकि एस शेप में बनता है, बट कोई नहीं आप समझ जाना। यहाँ भी कैसा आएगा आपका सिग्मॉइड ही आएगा, मतलब जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा कर्व मिल जाए दैट इज। तो अब मान के चलिए मैं नहीं लिखता हूँ सिग्मॉइड कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन या सिग्मॉइड कॉलन नहीं रखता हूँ इस तरह के नाम, तो दिक्कत क्या हो जाएगी। अब मान के चलिए मैं सारे के सारे नाम हटाता हूँ, सिर्फ कॉलन रखता हूँ, ओनली कॉलन, अभी देखना क्या दिक्कत हो जाएगी। अब कॉलन जैसे रखोगे पंगा अब आएगा। मान के चलो किसी पर्सन को यहाँ प्रॉब्लम है, अब मैं क्या बोलूँगा कि कॉलन में प्रॉब्लम है, क्या इससे मसला, क्या किसी को पता लग जाएगा कॉलन में कहाँ दिक्कत है। अब मैं बोलूँगा डिसेंडिंग कॉलन है, अब डिसेंडिंग में बहुत सारे पार्ट हैं, तो हमने भी बनाते हैं अपर मिड एंड लोअर, कि मिड डिसेंडिंग कॉलन में तो हमें क्या करना होता है। कई बार हम जब किसी पार्ट्स के फर्दर नाम पढ़ रहे होते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं, क्लिनिकल पर्पज़ में बहुत यूज़ होते हैं। अगर आप एक पार्ट का, जैसे हम स्टमक का नाम नहीं रखेंगे जो हमने रखा था, पाइलोरिक बॉडी, कार्डियक्स एंड जो भी था आपका मेन बॉडी था, तो ये फंडस था, तो अगर हम नाम नहीं रखेंगे, हमने सिर्फ एक स्टमक बोल दिया, किसी को मान लो फंडस में इशू है, हम क्या बोलेंगे जी स्टमक के अपर पार्ट में इशू है, अपर पार्ट तो है कार्डिक भी है, किस लिहाज से देखोगे। तो पार्ट्स के नाम रखना आपके लिए बहुत ईजी रहता है उसको ट्रीट करने में। तो ये जो आप पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हो, उसका सबसे लास्ट वाला पार्ट जो आ रहा है, थोड़ा मैं सही से बनाया नहीं यार, ये बना ले, जो लार्ज सबसे लास्ट का पार्ट होता है ना इसका, इसको बोलते हैं रेक्टम। आपको पता है हमने अभी एक चीज़ पढ़नी है, पेरिस्टाइलसिस, ठीक है। पेरिस्टाइलसिस क्या होती है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना एक बॉल के फॉर्म में हमारे ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करा करा के वो फूड कहाँ ले आता है, हमारे स्टमक में ले आता है। और ये पेरिस्टाइलसिस हमारे में उल्टी नहीं चलती, उल्टी मतलब खाने से जो हमारा स्टमक में खाना गया वो खाना हमारा दोबारा कभी मुँह में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे ईसोफेगस में अगर खाना गया तो वहाँ से उल्टी पेरिस्टाइलसिस हम लोगों में नहीं चल, लेकिन काव वगैरह में चलती है। इसीलिए वो लोग जो खाना खा लेते हैं, भर लेते हैं, तो बाद में दोबारा निकाल निकाल के वो चबाते रहते हैं, उनके में रिवर्स पेरिस्टाइलसिस पॉसिबल है। हमारे में रिवर्स पेरिस्टाइलसिस पॉसिबल नहीं है, लेकिन बॉडी में एक जगह रिवर्स पेरिस्टाइलसिस हम में पॉसिबल है, रेक्टम। यहाँ पे रिवर्सिबल पेरिस्टाइलसिस पॉसिबल है, माने अगर मान के चलो फीकल मैटर अगर मान के चलो जा रहा है, तो ये दोबारा से उसको अंदर वापस चला सकता है, इसमें रिवर्स की पॉसिबिलिटी है, लेकिन रिवर्स हमारे आप बाकी बॉडी में कहीं नहीं है। तो ये इसका काम होता है। बाकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एनस। आपको जानकर हैरानी होगी, एनस को ऑर्गन माना गया है, तो ये सिर्फ एक ओपनिंग है बट इसको ऑर्गन माना गया। कभी एग्जाम में आ जाए कि बताइए एनस क्या होता है, एनस को एक ऑर्गन का दर्जा दिया है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर बताऊंगा पाइल्स वगैरह की जो प्रॉब्लम्स का जो मसला रहता है ना, वो भी इसमें आएगा। इतना हो करो, फिर अब मैं शुरू कर सकता हूँ कायदे से तुम्हारा डाइजेशन वाला पार्ट। तो हाँ भाई, एक काम करो, तुमने पूरा इसको लिख लो ट्रांस, उसको डिसेंडिंग लिख लो, क्योंकि एस शेप का ये ज़्यादा बेटर आपको मिलेगा ना, सिग्मॉइड।